जूनागढ़ के केशोद से ये खबर सामने आ रही है। केशोद में ब्रह्म कुमारी केंद्रा मौजूद है। तब केशोद के ब्रह्म कुमारी केंद्रा पर मशहूर ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी का प्रेरक प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे थे। तब ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी की ओर से सभी को संबोधित करते हुए एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्वक वर्तन करने की अपील की गई थी। जिम्मेवार है रिश्ते के लिए, लेकिन राजयोग हमें सिखाता है कि हमारे मन की स्थिति हमारी अपनी है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सामने वाले का व्यक्ति का व्यवहार कैसा, लेकिन मेरे मन की स्थिति मेरी है। और मेरे मन की स्थिति का ध्यान रखते हुए जब मैं रिश्तों में मांगने वाले की बजाय, चाहने वाले की बजाय देने वाली आत्मा बन जाती हूँ, तो मैं घर का शक्ति स्तंभ बन जाती हूँ। तो फिर क्रोध की जगह शांत रहना, क्षमा न करने की बजाय आसानी से दुआएं देकर एक सेकंड में बात को ख़त्म करना, ये बहुत आसान होने लगता है। बस इसके लिए चाहिए थोड़ा सा राजयोग का अभ्यास रोज। घर में सात्विक भोजन बनाते समय परमात्मा की याद की शक्तियाँ रहें, और फोन और टीवी का हम ध्यान रखें कि हम क्या ले रहे हैं, उसमें से क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कितने घंटों हम उसके साथ रहते हैं। और हर एक थोड़ी देर के लिए अपने जीवन के अंदर राजयोग सीख कर राज्यों का अभ्यास करता रहे तो परिवार वही है, लेकिन परिवार को संभालने की शक्ति आ जाएगी, जिसकी हर एक को आज ज़रूरत है। आज के समय में डिप्रेशन बढ़ रहा है, एडिक्शन बढ़ रही है, हमारी जिम्मेवारी है। हम सिर्फ परिवार और बच्चों को वो चीज़ें नहीं दें जो पैसों से खरीदी जा सकती है, वो तो हम देते ही हैं, लेकिन साथ साथ सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना, मन की स्थिति को मजबूत बनाना, वो शक्ति भी परिवार को देने की, उसके लिए हम राजयोग सीखेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।